डाली डाली फूलों। Hey guys, welcome back to our YouTube channel, back to parts. So guys, आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं और बहुत ही सुंदर मौसम हो रहा है यहाँ पर। अभी सुबह सुबह का टाइम है और मैं आई हूँ छत में। तो गाइज आज दिन भर में जो भी होगा आज आपको दिखाया जाएगा पूरा। हमारा आपको पता ही है हम लोग रामनगर पहुँच चुके हैं फिर मजारा बहू जी के घर में, जैसे व्लॉग में आपने देख ही लिया था। बाकी ये देख लो, मेरे देख लो जरा दो हीरोइनों को। सभी लोग उठ गए हैं और तैयार हो रहे हैं घाट जाने के लिए। पुरिया भी हमारा आ गया है, तब हमें खा लेते। नहाएगी नहीं नहाएगी हैं? यहाँ किचन में क्या चल रहा है? चाची चाय पिला रही है सुबह सुबह सबको, चाय का काम। अभी सभी लोग आ गए हैं। वासु भी उठ गया, नाले वासु चलो ठीक है। अब क्या काम कर रहे हैं यहाँ किचन में? किचन में हमारे वासु के हाथ में अपने चाची को पूरी हेल्प कर रहा है। गाड़ी आ गई है और सभी जने बैठने की तैयारी कर रहे हैं गाड़ी में। यहाँ से थोड़ा दूर है जहाँ हमने जाना है घाट पे। अभी गिन ले तो, अभी काउंटिंग चल रही है बस। पीछे बीच में साइड रखो सारे। पुरिया बड़ा चालू बनती कर रहा था, करते मैं बाइक में जाऊंगा ये जाऊंगा तो पुरिया। अरे ये दीपू मुखाड़ा मशीन में क्या करूं? अरे बाइक हम नहीं पकड़े नहीं यार, तू कसम खा दी मैं प्रकाशन। आंटी आगे लगेगा वो, अब मेरा पानी आता है बात नहीं। गुड, तो अभी मैं भास्कर के साथ निकल रहा हूँ बाइक में, बाकी लोग आगे गाड़ी में जा रहे हैं। आज मैं भास्कर के राइड का मजा ले रहा हूँ और ये है इधर कोसी बराज, कोसी नदी। यहाँ पर अब हम और यहाँ से निकल रहे हैं आगे से, घाट के पास पहुंच गए हम। और यहाँ पर आज पानी बहुत कम हो गया है, वो पानी आज वहाँ चला गया। देखो आप नीचे देख रहे हो ना, वहाँ पर चला गया पानी का लिया। यहाँ पर था इसका स्तर, आज वहाँ हो गया। ये कह रहे कि नहर का थोड़ा सा डिवाइडेड रूल चलता है यहाँ पर, कभी इधर की नहर कभी इधर की नहर। तो यहाँ पर अब हम सब लोग बाल उतारेंगे। ये सभी के बाल उतारे हैं यहाँ पर दिन पर, जो लोग बाकी थे। प्रकाश अपने बाल का बिखर रहा है काटने के लिए, अभी इसके सारे जुल्फे उतर जाएंगे। ये चुटिया भी देखो कितनी लंबी है, अबे ब्राह्मण बनने वाला है, सबके पाठ पूजा करेगा, आचार्य का काम। ये देखो छोटा पंडित, तो बड़े कार्य प्रगति पे है, कभी मैं कभी प्रकाश, तो ऐसे मिलजुल के काम होता है यहाँ पहाड़ों में हमारा। इधर वो कर दिया है बुबू जी का, तो देखो प्रकाश चल लगा हुआ है यहाँ पर। तो फाइनली गाइस मेरा भी हो गया है पूरा। इधर सभी देखो, ये एक एक करके सभी लोग। तो गाइस अभी पंडित जी आए नहीं है, पंडित जी कर गए लेट, तो तब तक हम सोच रहे हैं कि थोड़ा सा इधर का घूम लें। तीन टकले हम एक साथ दौड़े। इधर हैं ये जल सिंचाई विभाग के क्वार्टर्स सरकारी, और इसके इस साइड में हम मंदिर है, इसके नीचे हम यहाँ पर काम कर रहे हैं जो हमारा काम होना है। यह है रामनगर की कोसी के किनारे अभी हम दौड़े। यह है कोसी की नहर, और पीछे इधर कॉर्बेट नेशनल पार्क आ गया सारा, हो ये जंगल अभी घुमा था हमने पूरा। हाँ, और इधर है ये ट्रांसपोर्ट मार्केट। तो भाई यहाँ से जो मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का एरिया पूरा। तो रोड के साइड से वो कर रखा है इन्होंने, बाउंड्री कर रखी है। मौसम आज थोड़ा सा धूप कम है, हल्के फुल्के बादल भी दिख रहे हैं। तो गाइस ये है रामनगर ट्रांसपोर्ट नगर, और यहाँ पर देखो पूरी गाड़ी नई बन रही है, कैसे प्लेट लगा के किस तरीके से गाड़ी को बना रहे हैं। तो ये मॉडिफिकेशन का काम चल रहा है गाड़ी का पूरा पूरा, ये देखो।
राज अभी पंडित जी आए नहीं थे और हम तब तो मार्केट आ गए थे और यहाँ पर देखो कितने सारे गन्ने यहाँ गन्ने बिकने के आ रखे हैं। और यहाँ पर नवयुवक समिति होली कमेटी होली का प्रोग्राम हो रहा है, तो ये अभी मेन मार्केट में है, पूरी होली की मार्केट सजी हुई है ज़बरदस्त तरीके से। होली का फंक्शन होने वाला है इधर। अच्छा इधर दिखाता हूँ मैं आपको इधर कैसे चल रहा है। ये देखो उपले उपले आ रखे हैं सारे और गन्ने देखो कितने ज़बरदस्त हैं और यहाँ पर ही सजावट हो रही है होली की। तो हम अंदर नहीं जाएंगे, बाहर बाहर से मैं आपको दिखा रहा हूँ। फाइनली पंडित जी पहुँच गए हमारे। क्या बात है, बहुत लेट करवाया आज पंडित जी ने हमको। आप सभी लोग धोती होती पहनेंगे। यहाँ पर तिरंजलि दी जा रही है अभी, एक एक करके भी हम लोग भी रहेंगे। यहाँ एक एक करके टीम बदली जा रही है, साथ उन्होंने कर लिया। बुबू जी इन लोगों का सबका नंबर आ गया है। अब सबेन मतलब उल्टा करवाना है, हाँ सब सेट्टी हैं। आप जने हो आप बाएं तरफ कर देंगे, आप सब पे ऐसे बाएं हाथ के अंदर डालो अपने हाथ में चांदनी मधो पर स्थापित कर दी गई है। आप ये हाथ सभी लोगों की तिरंजलि हमने सभी के लोगों ने मिल कर दी है। और अब इधर चाचा और जो नित्य कर्म पूजा होती है वो कर रहे हैं वहाँ पे। सबको टोपी पहना दी गई है, देखो सभी लोग टोपी पहन रहे हैं। प्रकाश चंद की टोपी थोड़ा छोटी हो रही है, प्रकाश नहीं मुनौट खुलते ना पहले भी लम पूरी हो के मुझे कहे मेरा भी थोड़ा आगे कर लेता हूँ, बहुत पीछे से हो रहा और अब यहाँ से नहा धो के निकल रहे हैं घर को, देखते हैं आगे का क्या होता है। घर पहुँच गए थे, घर पहुँच के देखा कि भावना ये लोग क्या कर रहे हैं यहाँ, ये फ्रूट सैलेड दे रहे हैं हमको, क्योंकि सुबह से आज हमने कुछ नाश्ता वास्ता भी किया नहीं है। अच्छा ठीक है ओके, फ्रूट चाट दे रहे हैं। और चाची जी अपनी पानी की सेवा में लगी हुई है, गुड। और चाची जी बाहर से आ रही हैं अभी, ये सब काम पे लगे हुए हैं, सब पानी चाय की सेवा पे लगे हुए हैं। खुद ही बना रहे, खुद ही खा रहे, फ्रूट चाट खुद ही बना रहे, खुद ही खा रहे। तो कुछ तो कर रहे हैं ना, और देवर को खिलाया, देवर को जब सबको खिलाया तब भी नहीं लिया, देवर को नहीं केला काट के गला हुआ। ये चाचा की सुनाओ, चाचा को तो मैंने दो बार बोल दिया, बताओ यार भात खाने की तैयारी चालू हो गई अभी। दौड़े शाम का टाइम हो गया है और यहाँ पर सभी लोग बैठ गए, एकजुट हो गए हैं, अब इनकी मीटिंग चल रही है क्या होने वाला है करके। आलू चौपा के बैठ गई हूँ। और बाहर का मौसम जबरदस्त बनने वाला है, कल होली की छरड़ी होने वाली है यहाँ, तो आज लग रहा है आज ही छरड़ी होगी ऐसा कुछ मौसम कह रहा है। तो शाम का टाइम, जैसे मैं कल भी गया था योगी जी के साथ भ्रमण करने के लिए, आज फिर प्लानिंग है कि भ्रमण करने जाया जाए, पर आज कौन कौन जाएगा ये पता नहीं चल रहा। हाँ
तो गाइस शाम के टाइम में अब हम भ्रमण के लिए निकल रहे हैं थोड़ा पिरू मदारा के पार्वती कुंज का, और देख के आते हैं भाजू आज कहाँ कहाँ ले गए थे। कल मैं योगी के साथ गया था, आज भाजू के साथ, दोनों भाई के साथ धीरे धीरे कॉम्बिनेशन बनाया जा रहा है कौन अच्छा घुमाता है। तो कॉलोनी का भ्रमण तो हम कर ही रहे हैं, साथ में इधर देखो कि लोग बागों ने अपनी क्यारी भी बना रखी है। देखो कतु जबरदस्त लास्ट में हो रहा है, घरों पर लास्ट में अभी इपन होना होगा। देखो ये देखो अब घर बना खेत पैदी खत्म है गया, ये बना खेत पैर रह रहेगा, ये भी मान लगे हैं अपने। और यहाँ देखो ये राड़ होने लगे, राड़ देखो राड़ हरा है पूरा जबरदस्त, और गेहूँ बाल लह रही हूँ तो बहुत अच्छा कर रखा है। लेकिन क्या है, पहाड़ तो खाली होते जा रहे हैं, बाकी प्लेन्स बसता जा रहा है। और ये सारा पहले जो एरिया होगा किसी किसान की खेती होगी यहाँ पे, अब सब मकान बन गए इधर ये। तो देखो ये जो मैं बता रहा था कि पहाड़ खाली होते जा रहे हैं, और ये देखो पहले सारे खेत थे, अब सारी खेती प्लॉटों में कन्वर्ट होते जा रहे हैं, सब प्लॉट होते जा रहे हैं। अब इतनी यहाँ मतलब इतनी अच्छी फसल हो रही है, मैंने अपने ब्लॉग में दिखाया भी है, लेकिन अभी प्लॉटिंग की वजह से ये देखो ना कितने ज़बरदस्त गेहूँ हो रहे हैं, तो प्लॉटिंग की वजह से सब खत्म होते जा रहा है अभी सब। अब इधर सब पहाड़ खाली होकर सब लोग नीचे की तरफ बस रहे हैं। तो देखो पीर मदार के पास एक घर है, देखो ये इन्होंने अपने छत के ऊपर ये जो बांस का पेड़ ये बांस बना रखा है, कितना ज़बरदस्त बना रखा है। और भासु का कहना है कि इस बांस मतलब पानी का टंकी है, पंजाब ऑफिस पंजाबी का घर है, अब इनमें टंकी है, इसके अंदर क्या है तो पता नहीं, तो बहुत अच्छा लग रहा है। अभी हम हाईवे पे हैं, काशीपुर रामनगर वाला हाईवे है, शाम का टाइम है और गाड़ियाँ सतासठ चल रही हैं, और बहुत सारे होटल मोटल ये सारी चीज़ें इधर खुल गई हैं, छोटे छोटे ढाबा रेस्टोरेंट, मज़ा आ गया भाई, मतलब पूरा भर गया है यहाँ से वहाँ तक। हाँ बारिश भी, जैसे मैं दिखा रहा हूँ मौसम, तो बारिश भी स्टार्ट हो गई है, तो लोग भी अपने आप कमेंट करके बताए कि आपके वहाँ बारिश कल हुई थी नहीं हुई थी संडे वाले दिन, मतलब आज होलिका दहन होगा शायद मेरे ख्याल से, कल छड़ी होगी। और शाम के टाइम सभी लोग यहाँ पर वॉलीबॉल इंजॉय करते हुए, और इधर हमारे ये बचनाल जी का मकान है, इन गुरुजी ने हमको पढ़ाया था तो थोड़ा उनसे मिल लेते हैं। तो ये सभी लोग यहाँ आ रखे हैं बैठने के लिए, बचनाल जी से मिलने के लिए, ये हम यहाँ पर अपने गुरुजी से मिलने आए हुए थे, और यहाँ पर चर्चा चल रही है पार्टी पॉलिटिक्स की, और हम यहाँ से निकलते हैं गुरुजी से मिल के। अब ये छोटा सा पेड़ है रामनगर में, देखो कितना ज़्यादा इसमें बोर आ रखा है, आम का पेड़ देख रहे हो कितना छोटा सा है, वाह यार अगर ये बोर टिक गया ना तो भाई साहब इस पेड़ को सपोर्ट देना पड़ेगा आम सहने के लिए, वरना ये नीचे सूख जाएगा पूरा, इतने आम होंगे इसमें। टाइम बाद और बहुत टाइम बाद आज मैंने ये साइकिल की राइड ली, बड़ा मज़ा आया क्या यार कसम से। और यहाँ भाभी के साथ बच्चे लगे हुए हैं रील बनाने में, और ऊपर का मौसम देखो यार क्या ज़बरदस्त अल्टीमेट मौसम हो रहा है, ये देखो गजब यार गजब, वाह। तो खाना पीना हो गया सभी का, हम लोगों ने खा लिया, ये लोग बाकी खा रहे हैं, और उधर वाले क्या कर रहे हैं वो भी दिखाता हूँ आपको। यहाँ पर बिस्तरा बिस्तरा लगने लग गया, सभी लोग लेटने की तैयारी कर रहे हैं ये। तो इस ब्लॉग को करते हैं यहीं क्लोज, और मिलते हैं कल एक नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय देवभूमि जय उत्तराखंड, बाय बाय।